स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दिल्ली टू मेरठ RRTS कॉरिडोर पर आनंद विहार से टनल खोदने का काम शुरू हो चुका है। रैपिड रेल का ट्रायल 3 चरणों में किया जाएगा। इसके बाद 2023 के मार्च महीने से साहिबाबाद से दुहाई तक के प्राथमिकता खंड में लोग इसकी सवारी कर सकेंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक 82 किलोमीटर लंबे रैपिड कॉरिडोर रेल कॉरिडोर में 30 ट्रेनें दौड़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी को तेज गति से चलने वाली ट्रेन के जरिए गाजियाबाद और मेरठ से जुड़ने का काम तेज हो गया है। रीजनल रैपिड ट्रायल सिस्टम RRTC कॉरिडोर पर आनंद विहार स्टेशन से साहिबाबाद की दिशा में सुरंग बनाने का काम सोमवार को शुरू कर दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के मुताबिक RRTS के 82 किलोमीटर के कॉरिडोर में दिल्ली के अंदर 4 स्टेशन होंगे, जिनमें जंगपुरा, सरायकाला खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार शामिल है। इनमें से केवल आनंद विहार स्टेशन भूमिगत रहेगा। एक सुदर्शन टनल बेयरिंग मशीन ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर आनंद विहार से साहिबाबाद की दिशा में 2 किलोमीटर लंबे सुरंग खोदने का काम शुरू कर दिया है। ये वैशाली मेट्रो स्टेशन के सामने ख़त्म होगी। ये तीसरी सुदर्शन TBM है जिसने आनंद विहार से साहिबाबाद की ओर सुरंग का निर्माण शुरू किया है। इसके लिए लॉचिंग शॉफ्ट आनंद विहार RRTS स्टेशन के उत्तर में बनाया गया है, जहां से सुरंग का निर्माण शुरू हुआ है। बयान के अनुसार 2 सुदर्शन TBM पहले से ही आनंद विहार RRTS स्टेशन से न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन की ओर सुरंग निर्माण पर काम कर रहे हैं। 6.5 मीटर चौड़ी होगी RRTS टनल सेक्शन के मदद से सुरंग के छल्लों को TBM द्वारा भूमिगत रूप से बनाया जाता है। आमतौर पर 7 सुरंग खंडों का उपयोग किया जाता है। इनका निर्माण NCRTC के कॉस्टिंग यार्ड में सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण के साथ किया जा रहा है। बड़े रोलिंग स्टॉक और 180 मील प्रति घंटे की उच्च डिजाइन गति के कारण RRTS सुरंग की चौड़ाई 6.5 मीटर तय की गई है। NCRTC ने कहा कि मेट्रो प्रणाली की तुलना में ये पहली बार है कि देश में इतनी बड़ी आकार की सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों।